सब्सक्राइब कीजिए तौसीफ इडियट्स ट्यूटोरियल्स को और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए हमारी न्यू वीडियो तुरंत देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं तौसीफ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप कैसे किसी टेक्स्ट या इमेज को एनिमेट करा सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल की तरीके से, जैसे कि आप वीडियो के शुरुआत में देखे थे और अभी भी देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू किया जाए, ट्यूटोरियल शुरू किया जाए। लेकिन उससे पहले यार, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए मोबाइल से। और हाँ यार, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट करो। तो दोस्तों चलिए, ओपन कीजिए काइंड मास्टर ऐप। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से। तो अब चलिए वीडियो ले लेते हैं, वो कोई भी वीडियो ले सकते हैं जिसमें आपको एनिमेट करवाना है अपना टेक्स्ट या इमेज। चलिए दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है कि लेयर में जाके मीडिया लीजिए। आपको कोई भी टेक्स्ट या इमेज ले लेना है, जैसे मैं रैंडम कोई ये ले लेता हूँ, ये नाम का अपने इमेज ले लेता हूँ और इसे पूरा फुल लेंथ कर देते हैं। अब क्या करें हम, इसको पहले तो सेट कर लीजिए हेड के, यहाँ पर एनिमेट कराना है। अब क्या करना है, आपको दोनों हाथ की उंगलियों को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है इस तरीके से, ये। चलिए मैं आपको कैमरा एंगल से भी दिखा देता हूँ, इस तरीके से। इससे क्या होगा कि वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, देख सकते हैं हर सीन रुक रुक के आएगा। अब जाएंगे हम एनिमेशन फ्रेम में और हर सीन पर एक फ्रेम सेट करेंगे प्लस, और इमेज को भी हर सीन में वहीं पर रखेंगे, दूसरे सीन में ऐसे ही। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वीडियो बनने के बाद एकदम प्रोफेशनल लगेगा देखने में, ठीक है? अगर आपको अच्छा बनाना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देख रहे हैं, हर एक सीन में आपको इसी तरीके से सेट करना है, जहाँ पर हेड जाएगा वहाँ पर आपको इमेज ले जाना है, सिंपल हर एक सीन में। इसलिए हम इस वीडियो का लेंथ बड़ा किए कि हर सीन रुक रुक के आएगा और आपको वहीं पर डालना है, ठीक है? आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और हर एक सीन में आपको हेड के यहाँ पर ही रखना है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हर सीन में मैं एक एनिमेशन फ्रेम सेट कर चुका हूँ, और जैसे जैसे हमारा बाइक राइडर मूवमेंट कर रहा है वैसे वैसे टेक्स्ट भी मेरा मूवमेंट कर रहा है। अब दोस्तों चलिए, अब वीडियो को चला के देख लेते हैं। ये दोस्तों देखिए कैसा बना है वीडियो हमारा, देख सकते हैं बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह बना है। अब इसे सेव कर लेते हैं, सेव वीडियो टू गैलरी, इसे हाई डेफिनेशन से सेव कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए। तो यार, अगर कुछ सीखे हो तो प्लीज लाइक करो और मेरा चैनल सब्सक्राइब करो वीडियो एडिटिंग के लिए। और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो।